Molly as a passenger, Sudesh as a co-passenger and Krishna as various characters. ये ट्रेन का आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ मैं. ये ट्रेन जो है लखनऊ से निकलेगा, भोपाल होते मुंबई जाएगा. भोपाल में जितने यात्री उतरने का है ना, वो ड्राइवर से मिल लो, उसको आगे का रास्ता बता डालो. बहुत नया नया है, उसको रास्ता मालूम नहीं. और हमारा जो ट्रेन है उसमें पानी का बहुत प्रॉब्लम है बॉस. इसलिए एक बाल्टी रखेला है, अपन एक रस्सी रखेला है. जब ट्रेन ऐसा पुल के ऊपर से जाएगा, बाल्टी नीचे डालने का, पानी निकालने का, और पीने के लिए अलग से निकाल लो आप लोग. कोई लफड़ा नहीं मांगता मेरे को. जोड़ी ब्रेकर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ. बिपाशा ने बहुत वेट लूज कर लिया यार. एकदम वो थ्री डेट का चतुर जैसी लग रही बिपाशा. क्या चतुरी है क्या? क्या बात है, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा. थोड़ा बहुत धंधा कर ले चाय का यार. सारे लोग में चाय लेंगे क्या सोहेल भाई? आप लोग को मालूम है हमारे जो शो के प्रोड्यूसर है विपुल डी शाह, उन्होंने माधवन जी की एक बहुत बड़ी पिक्चर लिखी थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, रहना है तेरे दिल में. एक जोरदार तालियां. उसी फिल्म के बाद हमारे जो शो के प्रोड्यूसर हैं वो राइटर से प्रोड्यूसर बन गए. जब वो राइटर से प्रोड्यूसर जैसे ही बने ना, उसी टाइम से उन्होंने किसी भी राइटर को प्रोड्यूसर नहीं बनने दिया. ये शाने साले रात को 2 बजे सो रहे, अपने आप को सोहेल खान समझता है क्या? है? अब इसका बाप भी उठेगा. बुरा मत मानो, नो टेंशन. ये चुप रहे, तुमने चाय डाल दी, नहीं तो मैं तो मर ही जाता. आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या था. अबे चाय तो बहुत ठंडी थी, केटली ज्यादा गर्म रहती है. हे हे, वो कहावत है ना, चाय से ज्यादा केटली गर्म. साहब हेगे कितने की एक कप? 5 रुपया. ओ वेरी नाइस. ये मैं बाद में पीऊंगा यार, कमाल है. पहले ये तो ये ना बार बार आएंगे. ये लो 5 रुपए. अरे 5 के 30 रुपया लाओ साहब. अभी तूने बोला 5 रुपए का कप. हाँ कप 5 रुपए का है ना, चाय तो 25 रुपए की है. मैं तो एक तेरा लिहाज किया, मैं तो चाय पीता ही नहीं. हम तो अमीर लोग, मैं कॉफी पीता हूँ. अच्छा हाँ. तो कॉफी भी है हमारे पास. इसको ऐसा उल्टा डालेंगे ना तो कॉफी निकलता है. ये कॉफी ले. अरे ये बता दे पहले कितने की. ये 15 रुपए की है साहब. 15 रुपए की. ये ठीक है. पता क्या, मैं आपकी सर 3 इडियट देखी 3 बार, और तीनों फिल्मों में आप ही थे. बड़ा अच्छा लगा मेरे को. वहाँ बहुत महंगी होती है. चाहे ज्यादा टाइम पास मत कर, ठंडी हो गई ना, कोल्ड कॉफी 30 रुपए की बेचता हूँ मैं. मजा आ गया यार. ओ, टोटल कितना हुआ आपका? टोटल पहले का 30, अभी का 30, 60 रुपया हो गया. 60 रुपए यार, बहुत महंगाई बहुत है. अरे महंगाई क्या, एसी कोच है साहब. इधर एक एक रोटी 50-50 रुपए का बिकता है, मालूम है? अच्छा जी, तो टोटल कितना बताया? 60 रुपया. 60 रुपया. क्या लिस्ट वापस करो. ये क्या मतलब हुआ साहब? यार मतलब क्या, कमीने ये लेता 10 रुपए और. ये कमीने लोग, ये बढ़िया. खैर कोई बात नहीं, रोटी है रोटी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, रख लेता हूँ. कोई बात नहीं, ये भी साला बेच देगा बाहर जाके कमीना. बैठिए आप, इसे अपना ही समझो, नो प्रॉब्लम. अरे ओके मैडम, चाय लेंगे? नहीं मैं चाय नहीं पीती हूँ. अरे बहुत बहुत साले, मेरे को दे दे तू. बता कितने पैसे? 50 रुपए. 50 रुपए? ये लूट रहे हो क्या? बात कर रहा है इसको देखो, कौन बोल रही है. साले लाख लाख रुपए के ठंडे एक्टर आए ले इधर, 50 रुपए की गरम चाय लेने को तैयार नहीं. हट हट रे, फ्री में रखो चाय. बेवकूफ मैडम, ये पागल है साला, सच बोल गया आपको. देखिए मैम गर्मी बहुत लग रही है, चलो उठो कपड़े उतारे. अरे क्या बात कर रहे बदतमीज. कमाल कर रहे मैडम, मेरे को इतनी गर्मी लग रही है,
कहाँ की गर्मी है, पसीना तो दिख नहीं रहा है, गर्मी लग रही है कब से। ओहो, एक बार आप कपड़े उतारो तो सही। बदतमीजी मत करो मेरे साथ, तुम समझे, एक मारूंगी। अरे मेरी बात सुनो, मेरे कपड़े उतार दो, ऊपर से मेरा हाथ नहीं पहुंचता, आप इतनी लंबी हैं, कंबल उतारो, मेरे को गर्मी लग जाएगी, फिर आप देखो कैसे पसीना आता। कमाल कर रही हो आप। तेरे को नहीं, मैं घोड़े को बोला, घोड़ा हीरो लगता है। तेरी साले हाथ दे, हाथ दे। ए बेटा, कौन है ये लड़की? ये मेरी वाइफ है, ले जाओ। नहीं, मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ, मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ। अच्छा, नहीं तो किसी की भी वाइफ ना भी रहे ना, तो भी मैं तेरे को लेके जाऊंगा, समझी? क्या बोलता चाले? क्या इधर से निकल जाऊंगा? लड़की की बहुत फिक्र है तेरे को। सुन, अब लड़की से पहले तू अपने कपड़े निकालेगा। ये ले, चल अपनी टी शर्ट निकाल। अच्छो, उतारता हूँ। डरता डरता नहीं, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। ये ले, चल अभी अपनी पैंट उतार। अच्छो। ये ले बेटे, तेरे जैसे बंदे को मुंह लगा था। अब अपना ये कच्चा उतार। हो गया ना? चल। ओ चल, इसको पकड़ जरा। क्या बोला? अपना कच्चा उतार। ए ले साले, तेरी जो कात क्या है? ए, इतना कमीना नहीं हूँ मैं, छोटे से कच्चे के लिए लड़की को। रहने दे। अब हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। आज के बाद मैं सिर्फ मौली के साथ काम करूंगा। डार्लिंग, हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। जोरदार तालियां। Please welcome Rajiv as Pati, Suhasi as Patni and Sudesh Bhosle as various characters. Suhail ji, aapke wajah se ro rahi hu. Iske liye nahi. Are aap meri baaton par haste nahi ho na, isliye. Vise aap jante, hamare yahan mehman aane wale hain. अरे जल्दी आ जाओ, कोई तो आओ। आया 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 आया। मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। पागल है तू? तेरी तबीयत ठीक नहीं, तू आराम कर, हॉस्पिटल मैं होके आता हूँ। अरे तुम डर गए ना इनके कमेंट से, डर गए हो? नहीं नहीं। अरे मैं माँ बनने वाली हूँ, कहीं मत जाओ, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसा करने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से ऐसा होता है। मैं किसी गाड़ी को रोकता हूँ। ए भाई, ए भाई, मेरी गाड़ी के सामने आओ, मेरी गाड़ी के सामने आओ, मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। अरे तुम्हारे हाथ में तो गाड़ी कैसे चलाते हो? मुंह से। मेरी बीवी ठीक नहीं है, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। तुम्हारी बीवी? कुछ करो। क्या बात है, मैं उलझ रहे हो? बिजली कड़की। ये क्या कर रही है? अरे मैं भूल गई, तुम मेरे सामने खड़े हो, वैसे भी इनके हाथ का है, छोड़ो ना। उनके सिर्फ हाथ नहीं है, जितना रोमांटिक मौसम हुआ हुआ है, वो तो इतना टैलेंटेड आदमी है, मुंह से छाता खोल देता है, पता है? दूर हटो मेरी नजरों के सामने से। ठाकुर को जाने दो। क्योंकि ये दोनों बेचारे एक ठाकुर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दो दो को कहां से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात कहूँ, दिलीप साहब की आवाज सही निकालो। मेरे हाथ नहीं है, पैरों से गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे कह रहे हैं दिलीप साहब की आवाज सही निकालो, दिलीप साहब की आवाज आप निकाली उन्होंने, आप संजीव कुमार की आवाज निकाल के चले गए हैं। तो चिंता मत कर, कोई है? जल्दी आ जाओ। श्रुति, तेरे घर में कोई है? नहीं,
मैं आऊं? कोई है? है ए भाई, कौन है भाई? गाड़ी रोको भाई, विरोध करना साहब, गाड़ी रोकी, विरोध करना साहब, मेरी बीवी, मेरी बीवी। जानता हूँ तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। हाँ, गाड़ी रोकते हो इस बस्ती को दादा हो? हाँ दादा, मैं तो अभी बाप नहीं बना, ढंग से दादा कहाँ से बनूंगा। प्लीज इसको गाड़ी में लेके हॉस्पिटल ले चलिए, बच्चा होने वाला है। बच्चे को वहीं रहने दो, क्योंकि बच्चे बड़े होके लायक नहीं होते। नहीं, ये तो आप पर्सनल बातें कर रहे हो, लायक बच्चे देखो बैठे सामने। उसे देखो, वो ऐश नहीं कर रहा, तुम्हारे एक्ट को बर्दाश्त कर रहा है। गाड़ी में आके बैठोगे? नहीं, गाड़ी में बम है सिकंदर, गाड़ी में बम है, मैं अकेले ही जाऊंगा। लेकिन एक बात, दिलीप साहब की आवाज सही से निकाल। तुझे क्या प्रॉब्लम है? दिलीप साहब की आवाज सही निकाल, दिलीप साहब की आवाज सही निकाल। एक मिनट, बैठ बैठ। मैं उठूंगी कैसे फिर? अच्छा, ए भाई, ये भाई, अरे अरे, खजा कज, खजा कज, अरे बाबा, हाय, बचाते, भाई, मेरी बीवी का पाँव भारी भाई। तुम्हारी बीवी का पाँव? अरे मुझे तो इसका पेट भारी लग रहा है। खजा कज, खजा कज, अरे भाई भाई, प्लीज उसको गाड़ी में ले चलो ना, प्लीज। गाड़ी में? हाँ। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लेंगे खचा खच खचा। एक एक बात भैया, सलाह दे रही हूँ, अंदर ले लेना। यूसुफ मियाँ की आवाज अच्छी दे निकल। मैं जिसकी मर्जी आवाज निकालूं। ए भाई, गाड़ी रोको भाई। सुधा, सुधा, तू माँ बुला जाके अपनी। गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। ये किस बदतमीज की जरूरत हुई कि हमारी गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया? देखो, हम तुम्हें इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। और स्मार्ट बॉयज, बात बताओ, सुहेल भाई को खुश करने का ठेका हमारा, तुम क्यों सलमान भाई के डायलॉग बोल रहे हो यहाँ पे? दरअसल बात यह है कि हमारे जो राइटर्स हैं, लेट लतीफ हैं। इनका जन्म बहुत लेट हुआ, सलमान के वक्त। बेचारे अजीत के जोक्स जानते नहीं, वेरी बैड बॉयज। लेकिन मेरी बीवी को बिठा लो, प्लीज 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 प्लीज, लिफ्ट कर दो इसको। माय डियर, खड़े खड़े एक बात सुनो, दिलीप साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी आवाज साफ सुथरी और लंबी निकालना, ऑल द बेस्ट। पैप पैप। क्या लगता है आपको, मैं दिलीप साहब की आवाज नहीं निकाल सकता? क्या हाँ की ना की, कुछ तो बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलू। नहीं, मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा प्लीज। ए भाई, ए भाई, ना सुधा, ना अभी कुछ करते हैं, सुधा अभी कुछ करते हैं। ए भाई, ए भाई, गुड वन। ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, सुधा, अरे ये तो हमारी बीबी सुधा है भाई। ए भाई, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई है भाई? ये आपकी बीवी है? ये हमारी बीवी है भाई। मैं भी सोचूं मेरी शादी में बीवी कहां से आ गई। एक मिनट, आपने सारी आवाजें निकाल ली? लगता तो कुछ ऐसा ही है मेरे भाई। बस 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 बस, सारी आवाज। आपको मैं खुशखबरी देता हूँ जी, जो बंदा यहाँ पर अपनी सारी आवाजें निकाल लेता ना, उसके बाद इस बंदे को निकाल देते हैं। तो नमस्ते है। तू घबरा नहीं, हमको ये लोग नहीं निकालेंगे। हमको नहीं, आपको, सिर्फ आप मुझे। ए सुहेल भाई, ए भाई, फ्रीज हो गया है भाई, और नहीं है भाई। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.